बस बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। आज हम बात करेंगे मौजूदा पुलिस के क्रूर चेहरे की, ऐसी पुलिस जिसने शक के बिना पर एक गरीब परिवार के मुखिया की जान ले ली। एक शरीर कितने फट्टे व गंभीर चोट सह सकता है, शायद यही जानना चाहती थी पिलखुआ की पुलिस। तभी 250 से ज्यादा फट्टे व गंभीर चोट खाने के बाद एक सिक्योरिटी गार्ड ने उचित इलाज मिलने से पहले ही दम तोड़ दिया। पीछे एक भरा पूरा परिवार है, लेकिन अब सबके सिर पर हाथ रखने वाला नहीं रहा। नहीं रहा वह शख्स जिसका शाम होने के बाद घर पर बच्चे व बीवी इंतजार करते थे। स्थानीय स्तर पर लीपापोती के बाद जब यह मामला मंडलायुक्त व आईजी तक पहुंचा तो इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज व कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। इस तरह के मामलों में जैसा हमेशा होता आया है, अब जब राजनीतिक दबाव बढ़ा तो पुलिस क्षेत्र अधिकारी, इंस्पेक्टर, दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज हो गया। यह मुकदमा दर्ज हुआ लेकिन न ही तो मरने वाले की जान आई और न ही बेसहारा परिवार को कोई राहत ही मिली। अब विभागीय कार्रवाई चलती रहेगी और सिक्योरिटी गार्ड का पूरा परिवार सड़क पर दर दर की भीख मांगने को विवश होगा। हम यहाँ बात कर रहे हैं हापुड़ के पिलखुआ थाने के छिजाज सिंह पुलिस चौकी की। इस चौकी के दायरे में ही आता है ग्राम लाखन। हाल ही में यहाँ एक शव मिला था जिसकी पहचान नोएडा निवासी प्रीति सिंह पत्नी दिगंबर सिंह के रूप में हुई थी। पिलखुआ पुलिस की जाँच में आया कि यह हत्या पति दिगंबर सिंह ने ही अरुण शहजाद व नौमान शूटर से कराई थी। इस बीच अरुण से फोन पर प्रदीप की बात हो रही थी। प्रीति प्रदीप की साली है। इस शक के आधार पर ही सिक्योरिटी गार्ड प्रदीप पर पुलिस ने उठाकर 5 घंटे तक लगातार जुल्म की सारी सीमाएं तोड़ दी। इस दौरान नाजुक अंगों पर फट्टे 250 से ज्यादा बार बरसाए गए और आर से जगह जगह छेद किए गए। आर उस डंडे को बोला जाता है जिसके आगे कील लगी हुई है। अमूमन जानवरों पर इसे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस केस में यह प्रदीप पर जगह जगह इस्तेमाल की गई। प्रदीप के शव से रिश्ता खून इस बात की तस्दीक भी चिल्ला कर करता है। आइए पहले बात करते हैं प्रदीप के भाई कुलदीप से। मेरा नाम कुलदीप तेजपाल सिंह है, मैं प्रदीप का छोटा भाई हूँ। ये घटना उस समय हुई, मैं पिलखुआ में मार्केट में था। मेरे पास एक कॉल आया अजनबी नंबर से, सर कि आपका नंबर एयरटेल का है। मैंने कहा हाँ सर। आपका नाम कुलदीप है? मैंने कहा यस सर। नहीं तो आपका एक लक्की ड्रॉ निकला है एयरटेल की तरफ से, आप उसे रिसीव कर लो। आप कहाँ आ सकते हो? मैं सर मैं इस टाइम पिलखुआ में हूँ मार्केट में, आप जहाँ कहोगे मैं आ जाऊँगा। बोले आप बस अड्डे पर आ जाओ पिलखुआ। जैसे ही मैं बस अड्डे पर पहुँचा तो वहाँ एक बंदा पहले ही खड़ा था। मैंने कंफर्म करने के लिए उनके पास कॉल किया। कॉल करने पर उन्होंने फ़ोन कान पर लगाया, बोले आप कॉल कर रहे हो? मैंने कहा आप एयरटेल से हो? बोले हाँ सर मैं एयरटेल से हूँ। इतना कहते हुए मेरे पास आ गए। जैसे बोले आपका नाम कुलदीप है? मैंने कहा हाँ सर मेरा नाम कुलदीप है। इतने ही मुझे चारों तरफ से पुलिस वालों ने घेर लिया। मेरे पास मेरी बाइक भी बैठी हुई थी, मेरी बाइक के पीछे उन्होंने चारों तरफ से मुझे घेर लिया। इसके बावजूद मेरी बाइक उतरी बाइक से, बोली हड़बड़ा के आप क्या कर रहे हो, कौन हो आप, कैसे परेशान कर रहे हो? नो हम पुलिस से हैं, आप परेशान मत हो, हमें इनसे कुछ पूछताछ करनी है, अभी इन्हें 2 मिनट में हम छोड़ देंगे। उसके दौरान मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लिया गया, बाइक मेरी वहीं रहेगी, सामान वहीं रह गया, बाइक मेरी वहीं रहेगी। अपनी गाड़ी में बैठाने के बावजूद उन्होंने मेरे से पूछताछ चालू करी। उन्होंने एक नंबर की जानकारी ली, वो नंबर मेरे बड़े भाई का था। उस नंबर के बोले ये नंबर कौन चला रहा? मैंने कि मेरे भाई के साले चला रहे हैं। नो झूठ बोलता साले, दो हैं बट मुझे मारे सर। मैंने कि कन्फर्म कर लो सर। नो तो उनके पास वो नंबर ट्रेसिंग पर लगा हुआ था सर, तो वो नंबर लोकेशन दिखा रहा था तितारपुर की। जब वो वहाँ से मुझे तितारपुर के लिए ले आई। जब हम तितारपुर पहुँचे उसके बीच मेरी वाइफ को उसमें पिलखुआ थाने में पहुँचा दिया गया, वाइफ भी बाइक भी। मुझे तितारपुर ले जाया गया। तितारपुर जाके उन्होंने बोला इस नंबर पर कॉल करो। मैंने उस नंबर पर कॉल किया जिस पर मेरे भाई के साले बोले छोटे, उनका नाम है अमर उर्फ दिगंबर सिंह। तो बोले कौन बोल रहा है? मैंने कि मेरे भाई के साले बोल रहे हैं। नू तेरा भाई कहाँ है? मैंने कहा भाई तो गम में है सर। कौन सा नंबर है? मैंने कहा सर ये नंबर है। फिर वो मुझे वहाँ से तितारपुर से वापसी ले आई। उन्होंने यहाँ पिलखुआ छिजाज सिंह चौकी टोल टैक्स के पास अपनी गाड़ी रोकी, उसमें मैं बैठा हुआ था। बोले इस नंबर से फ़ोन कर, अब बोल अपने भाई से कि तेरी बाइक ख़राब हो गई है और तेरा भाई आए और बाइक
अब तेरी वाइफ को तेरे सामान को ले जाए। ज़बरदस्ती मुझसे कहवा रहे थे सर। मैंने वैसे ही उन भैया को फ़ोन करके बोला, भैया घर पे सानी कर देते भैंसों की। बोले भैया रुक जा, तू रुक, मैं 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। इतने में ही भैया 10 मिनट बाद भैया पहुँच जाते हैं। वो बोल उसके ही बीच वो बोलते हैं, अपने भाई को पहचान के बताना दूर से ही, यही है तेरा भाई कौन है। जैसे मेरे भाई बरबर में निकले गाड़ी के, मैंने उनसे बोला साहब मेरे बड़े भैया हैं ये। तो उन्होंने तुरंत, गाड़ी में से 4 बंदे थे मेरे साथ, उनमें से 3 उतरे, 1 मेरे पास ही रह गया, और 1 आगे गाड़ी लगा रखी थी टूल टेस्ट के, उसमें से 4-5 बंदे थे सर। उन चारों 6-7 बंदों ने मेरे भाई को दोनों तरफ से घेर लिया, टूल टेस्ट के साइड में ही बिल्कुल, गाड़ी को कब्जा लिया गया, बाइक वहीं छोड़ दी उनकी। बाइक पे से उतार के उन्हें अपनी गाड़ी में उतार बैठा के उन्हें चिरासी चौकी पे ले जाया गया। मुझे भी पीछे पीछे उनके पास ही ले जाया गया, मुझे गाड़ी में ही छोड़ दिया गया, मेरे पास एक पुलिस वाला बैठा दिया गया, और बाकी सगरे उतर के गाड़ी में से, और जो उनके साथ थे वो भी सगरे चौकी के अंदर जाके चौकी का गेट अंदर से बंद करके मेरे भाई के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट बड़ी बेरहमी के साथ मेरे भाई को मारा गया। उस मारपीट के ही दौरान मेरे भाई की तबीयत ख़राब हो गई, उन्हें GS अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत बहुत ही नाजुक थी। GS अस्पताल वालों ने, उन्होंने साफ कह दिया कि हालत में कोई सुधार नहीं है ना, हम नहीं भर्ती करा सकते। तो उन्होंने सीधा मेरठ के लिए रेफर किया। मेरठ जाने से ही पहले मेरे भाई ने दम तोड़ दिया। वो फ़ोन उसमें जो सिम था वो मेरे भाई की ID पे था सर, और उसे यूज उनका साला कर रहा था। उसकी मिस्टेक की वजह से मेरे भाई को लेकर आए थे पकड़ के सर। हाँ, मेरे पास भी फ़ोन था सर। आपने ठीक नहीं समझा कि किसी को फोन कर सकते? मेरा फ़ोन पहले ही उन्होंने छीन लिया था सर। तो आसपास का किसी के लेकर मुझे गाड़ी से नीचे नहीं उतरने दिया सर उन्होंने। पुलिस चौकी में बाप प्रदीप को पीटा जा रहा था, और बाहर बेटे राहुल को पुलिस चिप्स दिलाकर शांत कर रही थी। बाप की चीखें उसे खाने से रोक रही थी, तो पुलिस का डर उसे चिप्स खाने को मजबूर कर रहा था। हाँ, यह कैसी व्यवस्था और कैसी ये पुलिस, आइए सुनते हैं राहुल की जुबानी। हमारे पापा जी को धोखे से बुलवाया गया था टूल टैक्स पे, टूल टैक्स पे आ जा। जब हम टूल टैक्स पे पहुंचे तो कुछ 7-8 जने वर्दी में भी थे और कुछ वैसे भी थे जो खाकी वर्दी में थे, और उन्होंने हमारे पापा जी को पकड़ लिया। उनके फ़ोन वोन सब जब्त कर लिए गए, गाड़ी में बैठा लिया गया, चिजारसी चौकी ले जाया गया। उनसे कुछ पूछताछ नहीं करी, उनके सुम भी भाव ले गए, बैठे फट्टे करंट सगरी चीज लगाई गई। और ये लगभग 5 घंटा काम बजा, 5 घंटा बजा गया। मैं अपनी सब आँखों से देख रहा था। जब मैं रो पड़ा तो मुझे चिप्स का पैकेट ला दिया गया, वो दारू पी के बजा रहे थे। गाड़ी में दारू भी धरी थी, किसी लड़की से बाऊ बाऊ करके बात भी कर रहे थे और हिस्से की बात कर रहे थे अपनी। चिप्स का पैकेट ले गए, 2 इंगे 2 आगे 2 पीछे मेरे साइड में बैठ गए। जब भी मैं टॉयलेट करने जाता था तो सगरे जने मेरी गैल जाती पुलिस वाले। हाँ, क्यों? ये कहीं लड़का भक्त हो जाए, कुछ बात तो नहीं बता दे इस मारे। जब हमें टूल टैक्स पे से उठाया गया, जब पुलिस वालों ने माँ बहन सबकी गाली दी और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जब पीटते वक्त उनकी टट्टी पेशाब सब निकल गया। जब वो पानी पानी कर रहे थे तो उन्हें किसी ने पानी भी नहीं दिया। और गाड़ी उन्हें जब पापा के जाद पेट में लात घूसे फावले के बैठे बजाने, उनकी तबीयत ज़्यादा वो हो गई बेकार, तो उनके पेट वेट सब सूखते चले गए। जा सूए भुर्री पुर्री सब बाढ़ दी पेट में, बहुत जगह कूल्हे में, छाती में, हाथों में, पामों में सगरे मारे। यहाँ तक पूरा नीला होगा शरीर, कमर नीली है, हाथ पाम सब नीले कर दिए, और हाथ पाम बिल्कुल ठंडे बिल्कुल। उन्हें जीएस में लेके गए। जीएस में उनको कोई इलाज नहीं हो रहा था, वो नहीं पड़े थे। डॉक्टर साहब के पाम पाम सब पूछे, डॉक्टर साहब इलाज कर दो, मेरा इलाज कर दो, पर उनकी कोई इलाज नहीं कर रहा था। सब डॉक्टर अपने उसमें थे, पुलिस वाले उनके गैल थे, 3-4 पुलिस वाले थे अस्पताल में भी, और कुछ बाहर खड़े थे। उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। हमारे प्रधान ठाकुर अहम सिंह तोमर, वो अपने हमें जमानत पे लिया है घर को, चाची और मुझको। आइए हम नजर डालते हैं इन बेबस आंखों पर। इन बेबस आंखों का कसूर क्या था? क्या सिर्फ इतना? जिस सिम का अरुण चला रहा था उसकी ID जीजा प्रदीप के नाम थी। क्या कराया अरुण का था, लेकिन सजा मिली प्रदीप को। यहाँ
प्रदीप चला गया, लेकिन अब सजा भुगतेंगे बेकसूर बच्चे वे बेसहारा पत्नी। पत्नी उस दिन के बाद से कई बार बेहोश हो चुकी है। फर्स्ट बाइट की टीम जब ग्राम लाखन पहुंची तो घर में चारों तरफ मातम पसरा हुआ था। पत्नी बार बार रोते हुए बेहोश हो रही थी और गांव की भी महिलाएं उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं हापुड़ एसपी। परिजनों का आरोप है कि बिलगवा कोतवाली में उस लड़के की पीट पीट के हत्या की गई है, क्या है पूरा मामला सर? ये थाना पिलखवा के क्षेत्रांतर्गत लगभग दो माह पहले एक डेड बॉडी महिला की मिली थी, जिसको जला दिया गया था। पहचान उसके अज्ञात में थी, अज्ञात में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस इसी में जांच कर रही थी तो कुछ लोगों पे शक हुआ और बाकी बहुत सारे एविडेंस उन लोगों के विरुद्ध में। एक लड़का कल पुलिस ने इसी के संबंध में, केस के संबंध में जानकारी के लिए थाने को बुलाया था। थाने पर पूछताछ के दौरान उसकी हालत बिगड़ गई, उसको हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहाँ उसकी हालत में कोई सुधार ना होते हुए उसे हायर सेंटर में रेफर कराया गया। वहाँ उसकी आज 12 बजे के बाद आज 1 बजे अर्ली मॉर्निंग तड़के उसकी मृत्यु हो गई है। सर ये भी बताया जा रहा है कि जिस युवक की मौत हुई है उसका भाई भी उसके साथ हिरासत में था, उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है, जिसका नाम कुलदीप बताया जा रहा है। देखिए ऐसा तो मेरे संज्ञान में कोई मामला नहीं आया है, किंतु इसमें जो भी पोस्टमार्टम के बाद जो भी तथ्य आएंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अगर पुलिस वालों का दोष, जो भी दोषी कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई जो बनती है वो की जाएगी। अब इस हत्याकांड के बाद न्याय पाने के लिए ग्राम लाखन में क्षेत्रीय साठा 84 महापंचायत आहूत की गई है। इस मामले में थाना प्रभारी योगेश बालियान, चौकी प्रभारी अजब सिंह व सिपाही मनीष को एसपी हापुड़ निलंबित कर चुके हैं, जबकि पीड़ित पक्ष की तरफ से 3 दिन बाद संतोष कुमार, योगेश बालियान, अजब सिंह व एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पूर्व विधायक धर्मेश तोमर की मध्यस्थता में पुलिस से 25 लाख रुपए दिलाने की बात हुई थी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ, ऐसा प्रदीप के पिता का कहना है। बनी रहेगी हमारी इस खबर पर भी नजर, देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।